हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कोई होम रेमेडी या कोई नुस्खा शेयर नहीं कर रही हूं। आज मैं आपके साथ एक लेटर, एक चिट्ठी शेयर कर रही हूं, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं और आपकी ज़िंदगी की सोच, ज़िंदगी के प्रति सोच, ज़िंदगी को जीने का नज़रिया बदल जाए। दोस्तों, स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता। दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स व्यापार जगत के सबसे सफल लोगों की श्रेणी में आते हैं। बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए लोग इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। एप्पल कंपनी का निर्माण करने के बाद उसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले स्टीव जॉब्स ही थे। आज भी अगर ये कंपनी निरंतर तरक्की कर रही है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय स्टीव जॉब्स को ही जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एप्पल कंपनी को सक्सेसफुल बनाने वाले स्टीव जॉब्स अपने जीवन के आखिरी लम्हों में कैसा महसूस कर रहे थे? हम सोचेंगे कि वो तो अपनी लाइफ पर बहुत ही प्राउड फील कर रहे होंगे, उन्होंने इतनी सारी अचीवमेंट्स की, पर नहीं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टीव जॉब्स के द्वारा शेयर की गई एक चिट्ठी, जो आपकी सोच बदल देगी। मरने से कुछ क्षण पहले ही स्टीव जॉब ने एक चिट्ठी शेयर की, जिसमें उन्होंने अपनी इमोशनल फीलिंग्स को पूरी तरह से एक्सप्रेस किया, और ये सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। उन्होंने कहा, एक समय था जब मैं व्यापार जगत की ऊंचाइयों को छू चुका था। लोगों की नज़र में मेरी ज़िंदगी सक्सेस का एक बड़ा नमूना बन चुकी थी, लेकिन आज खुद को बेहद बीमार और इस बिस्तर पर पड़ा हुआ देखकर मैं कुछ अजीब सा फील कर रहा हूँ। पूरी ज़िंदगी मैंने कड़ी मेहनत की, लेकिन खुद को खुश करने के लिए या खुद के लिए समय निकालना ज़रूरी ही नहीं समझा। जब मुझे कामयाबी मिली तो मुझे बेहद गर्व महसूस हुआ, लेकिन आज मौत के इतने करीब पहुंचकर वह सारी उपलब्धियां फीकी लग रही हैं। आज इस अंधेरे में इन मशीनों से घिरा हुआ हूं, मैं मृत्यु के देवता को अपने बेहद करीब महसूस कर सकता हूं। आज मन में एक ही बात आ रही है कि इंसान को जब ये लगने लगे कि उसने अपने फ्यूचर के लिए पर्याप्त कमाई कर ली है, तो उसे अपने खुद के लिए समय निकालना चाहिए और पैसा कमाने की चाहत ना रखते हुए खुद की खुशी के लिए जीना शुरू कर देना चाहिए। अपनी कोई पुरानी चाहत पूरी करनी चाहिए, बचपन का कोई अधूरा शौक, जवानी की कोई ख्वाहिश, या फिर कुछ ऐसा जो दिल को तसल्ली दे सके। किसी ऐसे के साथ वक्त बिताना चाहिए जिसे आप खुशी दे सकें और बदले में उससे भी खुशी हासिल कर सकें। क्योंकि जो पैसा सारी ज़िंदगी मैंने कमाया, उसे मैं साथ लेकर नहीं जा सकता। अगर मैं कुछ लेकर जा सकता हूँ तो वे हैं यादें। ये यादें ही तो हमारी अमीरी होती हैं, जिनके सहारे हम सुकून की मौत पा सकते हैं। क्योंकि ये यादें और उनसे जुड़ा प्यार ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मीलों का सफ़र तय करके भी आपके साथ जाती है। आप जहाँ चाहे इन्हें ले जा सकते हैं, जितनी ऊंचाई पर चाहे ये आपका साथ दे सकती है, क्योंकि इन पर केवल आपका हक है। जीवन के इस मोड़ पर आकर मैं बहुत कुछ महसूस कर सकता हूँ। जीवन में अगर कोई सबसे महंगी वस्तु है तो वह शायद डेथ बेड ही है, क्योंकि आप पैसा फेंक कर किसी को अपनी गाड़ी का ड्राइवर बना सकते हैं, जितने मर्जी नौकर चाकर अपनी सेवा के लिए लगा सकते हैं, लेकिन इस डेथ बेड पर आने के बाद कोई आपको दिल से प्यार करे, आपकी सेवा करे, ये चीज़ आप पैसे से नहीं खरीद सकते। आज मैं ये कह सकता हूँ कि हम जीवन के किसी मोड़ पर भी क्यों ना हो, उसे अंत तक खूबसूरत बनाने के लिए हमें लोगों का सहारा चाहिए। पैसा हमें सब कुछ नहीं दे सकता। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि अपने परिवार से प्यार करें, उनके साथ वक्त बिताएं, इस बेशकीमती खजाने को बर्बाद ना होने दें, खुद से भी प्यार करें।
ये थे स्टीव जॉब्स द्वारा हमारे साथ शेयर किए गए वो शब्द जो हमें ज़िंदगी के सही मायने बताते हैं। पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा हमारा जीवन नहीं है। हमें हमारे अपने लोग ही ज़िंदगी देते हैं, और केवल वही हैं जो हमें चैन से मरने का अवसर भी देते हैं। इसलिए दोस्तों, इस छोटे से लेटर पर विचार करिए और ज़िंदगी में पैसे से आगे बढ़िए। पैसा सब कुछ नहीं है। अपने परिवार को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, और पैसे की रेस से बाहर निकलिए। ये रेस कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इस रेस में आगे बढ़ने के चक्कर में हम अपना सुकून खो देते हैं, अपनी खुशी खो देते हैं, अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हैं। तो आई एम श्योर हमें इनके इस लेटर से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लाइफ में हमें अगर खुशी से जीना है तो पैसा सब कुछ नहीं मानना है। अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए टाइम निकालना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, शायद आपकी सोच ज़िंदगी के प्रति बदली हो, तो बहुत अच्छी बात है। सुनने के लिए धन्यवाद।